स्वयंवरु देखिया जाय, ईसु कही दौ देई बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जापर होई। मेरे राम राम राम, सीताराम राम। जय श्री राम, कहिए सीताराम। तो फिर सिय स्वयंवरु देखिया जाई, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। अब यह बात मुनि जी दोनों किशोरों से, दोनों बालकों से, दोनों सुकुमारों से, रघुनाथ जी से और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। ईसु का ही धाव दे ही बड़ाई, देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लखन कहा जस भाजनु सोई, लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, कि नाथ कृपा तब जापर होई, कोई धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। लक्ष्मण जी को अपने बड़े भाई पर श्री रघुनाथ जी पर पूरा विश्वास है, उन्हें पता है कि मेरे रघुनाथ श्री हरि का रूप है, तो जिस पर श्री रघुनाथ जी की कृपा होगी वही धनुष को तोड़ेगा और उसको ही सारा श्रेय मिलेगा। आइए आते हैं। हर्ष मुनि सब सुनी बरबानी, दीन असित सबही सुखमानी, मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मटशाला। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, दीन ही आशीष सब ही सुखमानी, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष्मक साला, कि फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। देखिए लीला रची हुई है, सारी होना वही है जो आपको पता है, लेकिन लीला कहने का और लीला सुनने का आनंद ही अलग है। कि अभी तो श्री रघुनाथ जी धनुष यज्ञशाला को देखने जा रहे हैं, आप सबको पता है क्या होने वाला है, हमें भी पता है क्या होने वाला है, बस आनंद है इस कथा को कहने का, सुनने का। कि राम चर्चा जहां पर होती है वहां पर स्वयं हनुमान जी भी चर्चा को सुनने आ जाते हैं और सुनकर आशीर्वाद देते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, अति सुधि सब पुरवासिन पाई, चले सकल ग्रह काज बिचारी, बाल जुबान जरत नर नारी। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि रंग भूमि आए दो भाई, कौन दो भाई, कि दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी। हमारे रघुनाथ जी सांवले हैं और लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, गोरे हैं। तो रंगभूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पूर्वा सिन पाई, दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं ऐसी खबर जब सब नगरवासी उन्हें पाई, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखिए इतना मोह है, इतने चर्चित हैं श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी जनकपुरी के अंदर, कि जैसे ही मालूम पड़ा कि दोनों भाई आए हैं वैसे ही सब अपना काम काज को छोड़कर भुलाकर उनको देखने के लिए चल दिए। देख जनक वीर भय भार, सेवक सब लिए हंकारी, तुरत सकल लोगन पहिचाओ, आसन उचित देहू सब काहू। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम।
आनंद आ रहा है ना आज की कथा में, कितना आनंद आ रहा है। अभी हम सोच रहे कि कथा ना करें, छुट्टी मार दें, लेकिन कितना मन लग जाता है ना जब कथा करते हैं तो आनंद आने लग जाता है। कि देखिए जनक भीड़ भय भारी, जब जनक जी ने देखा कि भीड़ बहुत हो गई है, सुचि सेवक सब लिए हंकारी, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया। तुरंत सकल लोगन पहीं जाहूं, आसन उचित देहूं सब काहूं। कि तुम लोग सब लोगों के पास तुरंत जाओ और देखो सबको यथा योग्य आसन मिल जाए। जो भी पुरुष स्त्री बालक जिस आसन के योग्य है उनको वो आसन मिले। जैसे हम फंक्शंस में जाते हैं ना, सबसे आगे की सीटें VVIP होती हैं, चीफ गेस्ट की होती है, स्पेशल गेस्ट की होती है, VIP गेस्ट की होती है, फिर स्पेशल गेस्ट भी होते हैं, और फिर मंत्री संतरी ये लोग होते हैं, और फिर आम जनता होती है, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो सभी की व्यवस्था देखी जाती है। तो राजा जनक ने सबकी व्यवस्था करी हुई है, सबको यथा योग्य आसन दिया गया है, सब लोग अपना अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। और सारी भीड़ किस लिए है, कुछ तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं और कुछ उन दोनों राजकुमारों को देखने आए हैं। कौन राजकुमार? हमारे रघुनाथ जी और श्री लक्ष्मण जी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जी की जय। जी शपथ। कही मृदु बचन बिनित तिन्हा, बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा दिया। दर्द हो रहा बेटा हाथ में? आराम आराम से बजाओ ना, फोर्स मत दो अपने हाथ पे। आइए। राज कुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाय, गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर सरीरा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम। अब राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहू मनोहर तातन छाए। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वो ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। सांवला किसका शरीर है? श्री रघुनाथ जी का। और गोरा किसका है? लक्ष्मण जी का। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। आइए आते हैं। राज समाज विराजत रूर, उद्गन महु जनु जुग विदुपूर, जिनके रही पावना जैसी, प्रभु मूरति तिनके की तैसी। राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। क्या उपाधि क्या उपमा दी है दोनों कुमारों की, कि दो पूर्ण चंद्रमा नजर आ रहे हैं। जिन्हके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। अब जिसकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उनको वैसी ही दिख रही थी। कैसी? जो भगत मानकर अपने आप को राम जी को देख रहे हैं उनको भगवान जी में राम नजर आ रहे हैं। और जो राजा वहां पर रूप बदलकर, राक्षस लोग आ गए हैं रूप बदल के, सुंदर रूप धर के आ गए हैं, उनको उनमें काल नजर आ रहा है राम जी के अंदर। और जो नम्र पुरुष हैं उनको वो नम्र नजर आ रहे हैं। और जो संत मुनि लोग हैं उनको उनमें भक्त नजर आ रहे हैं। राजाओं को जो अच्छे राजा हैं उनको वीर नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि जिन्हें के रही भावना जैसी, कि जिसकी जैसी भावना रही, प्रभु मूर्ति तिनत देखी तैसी, उनको वैसे ही प्रभु नजर आ रहे हैं।
राक्षस बन के देखोगे तो काल नजर आएगा, संत बनकर देखोगे तो भक्त नजर आएगा, और अगर एक पुरुष बन के देखोगे तो आपको पुरुषार्थ नजर आएगा। कहीं रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, दूरे कटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। कहीं रूप महारन धीर, मनहु वीर रस धरे शरीरा, धरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम। देख ही रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हो। मैंने कहा ना कि जिसकी भावना जैसी है उसको भगवान वैसी ही मूर्त दिखा रहे हैं। जो रणधीर राजा लोग हैं उनको भगवान में वीर रस नजर आ रहा है। और डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, और कुटिल राजा प्रभु को देख कर डर गए हैं। जो चतुर हैं, कुटिल हैं, कुभावना जिनके मन में है उनको अंदर भय हो रहा है, वो राजा राम को देखकर डर रहे हैं। मनहु भयानक मूर्ति भारी, मानो बड़ी भयानक मूर्ति उनके सामने खड़ी हो गई हो। ये चौपाई सबने सुनी होगी, सबको पता भी होनी चाहिए कि जिन्हें के रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, तिना देखी तैसी। अब ये मंदिर में कैसे फलीभूत होती है, कुछ कहते हैं मुझे तो भगवान हंसते हुए दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, और कुछ कहते हैं अरे मूर्ति तो है, तो जैसे देखोगे भगवान वैसे नजर आएंगे। आइए आते हैं। रहे असुर चल छोनिप बेशा, दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पूर्वा दिन देखे दो भाई, हर भूषण लोचन सुखदाई। राम मेरे राम, राम 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 ग्वालेंगे, तेरे राम तेरे राम तेरे राम राम। रहे असुर चल छोनिप बेशा, सिंह प्रभु प्रागट काल सम दे, रहे असुर चल छोनिप बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पूर्वासिन देखे दो भाई, हर भूषण लोचन सुखदाई। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन्हें प्रभु प्रकट काल सम देखा। अब जो छल से राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, मैंने बताया ना कि जो छल करके रूप बदल के राक्षस वहां पे आ गए हैं, उन्होंने राजाओं का रूप धड़ लिया है, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पूर्वास ने देखे दो भाई, नगर वासियों ने दोनों भाइयों के मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। अब जो नगर के वासी है ना वो तो सरल है, उनमें ना कपट है ना कुछ है, तो उनको भगवान के अंदर भूषण रूप नजर आ रहा है, ऐसा रूप नजर आ रहा है सजा हुआ जो उनके नेत्रों को सुख देने वाला हो। किनके नेत्रों को, नगर वासियों के। जी शपनर। नारी बिलो कही हर शिहिये, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनुरूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। आइए मोक्ष महाराज आगे बढ़ते हैं। भी
विदुषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अब लोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही कैसे। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम। ये थी हमारी आज की अंतिम चौपाई कि विद्वानों को प्रभु विराट में रूप में दिखाई दिए। अब जो विद्वान लोग हैं भाई, वहाँ पे जनता भी है, राक्षस भी हैं, कुटिल राजा भी हैं और रणधीर राजा भी हैं। जो विद्वान बैठे हैं उनको प्रभु के अंदर विराट रूप नजर आ रहा है, जिनके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय जो रिश्तेदार हैं राजा जनक के, वो प्रभु किस तरह देखते हैं, जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। अब जो सगे संबंधी हैं ना राजा जनक जी के रिश्तेदार हैं, तो उनको प्रभु राम के अंदर अपना स्वजन यानी अपने लोग नजर आ रहे हैं, जैसे उनका अपना ही रिश्तेदार है।